जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ पे गोविंदपुर एरिया अरबी कॉलेज नागवार में मरहबा पैलेस में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, ये हमारा थर्ड ड्राइव हुआ है यहाँ पे। इससे पहले भी हम लोग दो ड्राइव्स कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट डोज के कोविशील्ड के। तो यहाँ इसमें इस ड्राइव में हमारा साथ दे रहे हैं करौल फाउंडेशन, ज़ुबैदा सुलेमान फाउंडेशन, बियॉन्ड बाउंड्रीज फाउंडेशन, एडम्स फाउंडेशन, और जो दूसरे हमारे पेट्रनेज हैं इसमें नारायण हृदालय। दिस वैक्सीन इज बीइंग गिवन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और रिलीजन। सर यहाँ पे आप दूसरा ड्राइव कर रहे हैं, इसी एरिया को क्यों बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, इस एरिया से हमें बहुत सारा डिमांड आया है। पहला तो जो हम लोग कई महीने पहले यहाँ पे किए थे वो हमारा फर्स्ट डोज था, तो उसके बाद कई यहाँ पे लोकल एनजीओ से, यहाँ के आवाम से हमें बहुत रिक्वेस्ट आए कि यहाँ पे आके सेकेंड डोज का भी ड्राइव कीजिए बोल के। तो हम लोग जो उनको ज़बान दिए थे वो पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकेंड डोज आज जारी है। सर ये लोगों में डर क्या अभी भी बाकी है, वो डर लोगों में या बेहिचक आकर लोग वैक्सीन ले रहे हैं? नहीं, आज जो है वो डर मिट गया है, क्योंकि मैं खुद वैक्सीन लेकर हूँ। तो कई लोगों को, पूरे लोगों को तो 100% तो नहीं होता इसमें, कुछ लोगों को इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि बुखार, फटीग या ज़्यादा प्यास लगना वगैरह, तो नॉर्मल है, एक दो दिन रहता है, उसके बाद फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है यहाँ पे, और जितना हम लोग 1000 वैक्सीन का यहाँ पे इंतज़ाम किए थे शायद वो कम पड़ जाएंगे आज। नहीं, हम लोग ऐसे कोई पब्लिक ऐलानात तो करके नहीं हैं, जो लोकल हमारे पास एनजीओज हैं हु हैव गॉट स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट इन द लोएस्ट लेवल, तो वहाँ पे उनका सपोर्ट लेकर उनके थ्रू हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये पब्लिसाइज करके हैं कि आज यहाँ पे होने वाला है। नहीं, आज ये लास्ट ड्राइव है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो इंशाल्लाह और भी हम लोग कोशिश करेंगे ड्राइव्स करने के यहाँ पे। शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का वैक्सीनेशन ड्राइव ये हमारा तीसरा ड्राइव है। जो पहले दो ड्राइव हुए थे उसके में हम लोग ने बताया था कि इंशाल्लाह सेकेंड डोज भी हम ही देंगे, इधर ही आके देंगे करके, तो उस वायदे के मुताबिक हम आए ये सेकेंड डोज देने के लिए। लेकिन अभी दिख रहा है कि कई लोग जो फर्स्ट डोज के लिए वो उस टाइम नहीं आए थे, अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर ये 18 प्लस के लिए भी है या 18 प्लस के लिए है जी। और ये पहले वो है ना, डर के आगे जीत है करके, तो डर के आगे वैक्सीन है बोल के अभी वो डर निकल गया, लोग निकल रही हैं अभी वैक्सीन लेने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा देश वैक्सीनेट हो जाएगा। तो लोगों का रिस्पांस कैसा? देखिए, अब लोगों का रिस्पांस गेट के बाहर अभी भी लोग वेटिंग में हैं, हम लोग देख रहे हैं, बस कैलकुलेट कर रहे हैं कितने वैक्सीन बचे हुए हैं, क्योंकि सवेरे से लोग आके बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह जितने हो सके हम लोग आज फिनिश कर लेंगे। सर आपका पूरा नाम? सर मोहम्मद इब्राहिम, बियॉन्ड बाउंड्रीज करके, और मैं मर्सी मिशन के साथ भी वॉलंटियर हूँ। ड्राइव इज अनदर माइलस्टोन अचीव, ठीक है। इट इज़ द थर्ड ड्राइव विच इज़ हैपनिंग इन मरहबा पैलेस। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट अल्लाह हैव चोज़न अस टू सर्व द कम्युनिटी, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, रिच एंड पुअर। वी हैव कम हियर फॉर द सेकेंड डोजेस, बट द रेस्पॉन्स इज सो वेल दैट द पीपल हु हैज स्केड टू कम फॉर द फर्स्ट डोज आर कमिंग नाउ इन द सेकेंड डोज सो दैट दे कैन टेक द फर्स्ट डोज, ओके। सो दे हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन अस, दैट्स द रीजन वी हैव ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, एंड वी आर ट्राइंग टू कैटर एज मेनी vaccination drives throughout Karnataka, throughout Bangalore, to make sure that Karnataka is fully vaccinated. My name is Syed Adams and I'm from Adams Foundation. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. ye vaccination drive jo hai logon ki sehat ke liye jo waba phaili hui hai, ye second dose ka aur first dose ka jo hai combination mein drive kiya ja raha hai। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी 3-4 ड्राइव हो चुके हैं करौल फाउंडेशन, बीजिंग बाइट और मेमन जमात खाने की तरफ से। लोगों में जो है इसकी अवेयरनेस आ रही है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं, हमारे उस्मान शरीफ इब्राहिम भाई जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं करौल फाउंडेशन और बीजिंग बाइट्स के, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे और जो है और ही इसी तरीके से खिदमत करने का मौका उनको बार बार अता करते रहे। मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की तरफ से हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम जबीन बानो, मैं नोबल सेंट की टीचर हूँ और मैं यहाँ पर मरहबा कन्वेंशन सेंटर में आकर पहला डोज ली हूँ। जनाब उस्मान शरीफ इस वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करें ही COVID-19 का, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना हमें बहुत दूर दूर तक जाकर लेना पड़ता था। बहुत आप लोग भी मेहरबानी कर जो भी नहीं लेकर हैं ज़रूर से आकर लीजिए इंजेक्शन वैक्सीनेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವರಂಜನಿ ಅಂತ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಸೊ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ,
सो थैंक यू फॉर उस्मान शरीफ सर. ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೈ ಆಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಾಲ್ನೆ ಆಯಿ ಹೂ. यहाँ पे जो एसोसिएशन है और उस्मान शरीफ साहब ने भी ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत अच्छा था यहाँ का सर्विस और बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन भी हो गया है. आप मेरे दोस्त आके वैक्सीनेशन यहाँ पे डाल के जाइएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई टुडे लाइक टुडे वॉज माई फर्स्ट डोज. इनिशियली आई वॉज केयर लाइक आई वॉज नॉट श्योर अबाउट हाउ इट्स गोना हैपन एंड फॉर मी टू प्रिपेयर मेंटली इट टुक 2-3 months फॉर द वैक्सीन. बट नाउ आई फील लाइक देर इज नो मच पेन एट ऑल. सो यू गाइज कैन कम एंड टेक द वैक्सीन, इट्स रियली गुड एक्चुअली. सो लास्टली आई वॉन्ट टू थैंक द होल कम्युनिटी हियर, स्पेशली द वन हु ऑर्गेनाइज दिस, विच इज़ एक्चुअली अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स जस्ट टुक मी 2-3 hours टू गेट द वैक्सीनेटेड. प्लीज़ गाइज डू जॉइन एंड कम एंड गेट वैक्सीनेटेड. बी हेल्थी, बी सेफ एंड वेयर मास्क एंड कीप सोशल डिस्टेंस. थैंक यू. वैक्सीन का जो है जो साइड प्लेस आ रहा तो लोगों में डर हो चुका है. वो डरने कोई बात नहीं, हर आदमी ले रहा है वैक्सीन और गवर्नमेंट का रूल्स भी है और सुन्नत तरीका है दवा खाना. अब डरने की मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, मौत हयात अल्लाह. लोग डर रहे, डरने की कोई बात नहीं. हमारे करूल अनवर शरीफ साहब के बेटे उस्मान शरीफ पूरा 3 बार खिदमत करते हुए आ रही. हर आदमी को वैक्सीन लेना चाहिए, हर आदमी को वैक्सीन लेना चाहिए. एक ही इलाज है, दूसरा हमारे पास इलाज नहीं है. आपका नाम? मेरा नाम सलीम, एस के सलीम, एक्स कौंसलर.